गांव में बस इन सांडों से बच के रहो, ये तो बेचारा मुझसे डर रहा, शरीफ है काफी ज्यादा। मैंने आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञान की बात बताने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोग राजस्थान के से वीडियो देखते हैं, उन्हें थोड़ा बुरा भी लगेगा। ये जो मामा है, ये मेरा भाई कहता है, मौसी का लड़का जो है जयलाल। शॉर्ट में कहूँ तो भाई मत खाया करो, सलाइवा अंदर जा नहीं रहा, बॉडी के अंदर लगेगा नहीं, कोई फंक्शन काम नहीं करेगा ढंग से कम दारू पियोगे, लीवर वीवर थोड़ा सा फूल जाएगा कभी भी, वो भी जब एक्स्ट्रा लिमिट में पियोगे, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। बस चल मारो, ये चीज छोड़ दो, क्योंकि पूरे दिन आपके मुंह में रहता है, जितना सलाइवा होता है सब थूकते रहते हो, उसके बाद दो रोटी का ही पानी पिया, ना पानी जा रहा है ना सलाइवा जा रहा है, बहुत ही डेंजरस चीज है अगर सोच के देखोगे तो। बाकी तो भाई देखो, खाओ, मुझे हेट मत करना, ठीक है, मेरा काम तो बताना, आपको अच्छी लगे तो फॉलो करो, नहीं करे तो खाते रहो, मेरी तरफ से तो ये पूरा एक खा जाओ, 10 रुपए की चार आती है। देखो हमारे गाँव का जो मंदिर है कितना ब्यूटीफुल बन चुका है, और पहले ये मस्त बाग हुआ करता था, तो पहले काफी आते थे छोटे थे, तब तो काफी चीजें बिल्कुल ऐसे चेंज होती जा रही है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है और अच्छा खासा। एंड अभी जा रहा हूँ मैं अपने चाचा के बेटे के पास, यानी कि उनके घर, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, इसके अंदर पहले पूरा भरा होता था, अभी इसे शायद खाली कर दिया किसी रीजन से, और अब दिखाऊंगा बाद में जब ये दोबारा भर जाएगा, तो इसके अंदर कमल के फूल होते हैं, बड़े ही सही फूल होते थे, अभी तो काफी टाइम से खाली कर रखा है, काम वाम चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मंदिर ही मंदिर, और ये है भैरव जी का मंदिर, इसके अंदर दारू चढ़ती है, तो कल अपन चढ़ाने आएंगे दारू। कभी भी कोई भगवान या देवता ये नहीं कहते कि भाई अभी पियो, भाई गांव में अंदर चलते हैं, ये है अपना शॉर्टकट अंदर जाने का। एक बात है, ये बड़ा मस्त व्यू लगता है, सामने पहाड़, ऐसे घर, मस्त मजे। कई बार सोचता हूँ यार, अगर नॉर्मली अगर गाँव नहीं होता, या फिर नॉर्मल ऐसे जो थोड़े नॉर्मल से गांव होते हैं, मतलब जैसे शहर की तरह होते हैं, जैसे मेरी मम्मी का गांव है, तो वहां पे आप जाओगे किसी को कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि दिल्ली में आप कहीं पे हो, आसपास वालों को कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां मेरा जाने का मन नहीं करता है, और इसीलिए मुझे मजा आता है भाई इन पहाड़ों के बीच में। और ये देख रहे हो आप, ये ऐसे छोटे छोटे गुंबद से बने हुए हैं, मैं तो इनके अंदर बैठ के भी बड़े मजे करता हूँ, मेरे को पता नहीं, एक अलग ही वाइब है, मतलब पुरानी चीजों से, हिस्टोरिकल चीजें तो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है ना, सोच नहीं सकते से, मतलब मस्त आप रोड पे जा रहे हो। अब ये व्यू आपको कहाँ मिलेगा, सामने देखो, आपको मोर दिख रहा है, अब ऐसे आप जा रहे हो, आपको मोर दिख रहे, इतनी अच्छी वाइब कहाँ मिलेगी आपको, और मतलब तेरे को शर्म नहीं आ रही चाय अकेले अकेले पी रहा है, मतलब दो लेके आनी चाहिए तुझे। अरे तो यार भाई, इसमें से पी लेना, तूने पी, मैंने पी, एक ही सही बात है, अपन तो दारू एक पी लेते, दारू वाला डालना है क्या, दारू वाला नहीं यार, ये चाय चाय वाला डाल, चल ठीक है, वैसे हम पीते नहीं, मजाक कर रहे थे। 12 बज चुके और अभी मैं जा रहा हूँ कार वॉश करवाने, जो की दहेज की कार है, यानी कि जो हमें देनी है, तो भाई हमारे में ऐसा होता है मोस्टली हम लगन के दिन ही सारा कुछ दे आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि शादी के दिन वहाँ पे खड़ी करेंगे और फिर शादी के दिन देनी है, तो शादी से पहले दे देते हैं, 2-3 दिन पहले जो लगन वाला प्रोग्राम होता है उसमें, तो आज का वो प्रोग्राम है और वहाँ जाना है, तो अभी उससे पहले कार को दोनों वॉश करवा लेते हैं। तो सामने जो कार जा रही है ये देनी है हमें आज अपनी बहन को। सो गाइस, मैं बता दूं, मेरे चाचा की लड़की की शादी है, यानी कि मेरी बहन की शादी है, और ये सामने जा रही कार, ये अभी से वॉश करवा के लाते हैं, और आज शाम को ये हमें दे के आनी है। अरे तू तो पहलवान है, उतार लेगा, उतार तो ले जाऊंगा यार, तू डर पा रही है, इधर ही रख दे, इधर सीट पे आ जाएगी ना, गिरेगी एक दिन वाली, गिर के आ जाए। कार वॉश हो रही है, जब तक मैंने करवा ली यहाँ पे क्लीन शेव, क्योंकि मेरी जो बियर्ड है वो प्रॉपर नहीं आती, जिसकी वजह से मुझे क्लीन शेव रहना पसंद है। चल के देखते हैं कि कार किस तरीके से वॉश करी है, वैसे गांव में इतनी कोई खास करते नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक लग रही है, और यार मैटों पे तो अभी भी मिट्टी है, बट कोई नहीं, इतना चल जाएगा, ठीक है संजू, चल चल यार, तू आना, मैं ठीक है ठीक है। सो गाइस, एकदम क्लीन शेव हो चुका हूँ, और उसका रीज़न ये है कि देखो मेरे यहाँ पे ना बियर्ड नहीं आती है, तो बड़ी अनइवन से लगती है बियर्ड, तो इसलिए मैं क्लीन शेव रहता हूँ, और मुझे ज़्यादा फ्रेश फ्रेश फील होता है, अदरवाइज अगर कभी यहाँ पे आई तो मैं पूरी बियर्ड वाला लुक भी रखूँगा। तो काम सारे ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुके हैं, बस अब एक ही काम करना है, घर जाना है, नहाना है, रेडी होके फिर उसके बाद जाना है। और ये देखो मेरे गाँव का रोड, कितना सेक्सी व्यू है, और ऐसे में जगह पर तो गाड़ी चलाने में मजा आता है, मतलब यहाँ पे आप कितनी भी तेज भगा सकते हो ऐसे करके, ना तो कोई कैमरा है ना कोई आसपास में, तो अपने मजे से एंजॉय करो। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को बताया, अभी हम गांव के अंदर है, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर करी है मम्मी के लिए अमेजोन से चप्पल, तो मम्मी इन्हें पहन के दिखाओ, और आज हम जा रहे हैं एक प्रोग्राम में जिसमें स्पेशली मम्मी ने वाली चप्पलों को पहनने वाली है, आज हम लगन टीका में जा रहे हैं। तो गाइस, ये है मेरे पास यहाँ पे हाफ स्लीव शर्ट, जो कि मैंने ऑर्डर करी है अमेजोन से अगेन, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ऑर्डर करी थी तो मैंने एक साइज छोटा करा था, और इस बार मेरे बाइसेप्स का साइज कुछ बड़ा हो चुका है, तो बड़ा ही ऑर्डर करी है मैंने, एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी, एक अफोर्डेबल
जीन्स ऑर्डर करिए, देन उसके साथ में यहाँ पे हमारे पास ये चेल्सी बूट। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये है मेरा एक ओवरऑल पूरा पेयर जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा है, शर्ट जीन्स एंड उसके साथ में शूज़। गाइस एक और अमेजिंग चीज़ कि मैंने यहाँ पे आकाश के लिए भी दो चीज़ ऑर्डर करी थी, एक शर्ट एंड उसके साथ में एक जीन्स। कैसा लग रहा है? बहुत ही सेक्सी लग रहा है। और ये देखो इसने मेरे जूते पहन लिए यहाँ पे, अब इनको ये ख़राब कर देगा, वो तो चलता रहता है। सो गाइस 1 2 3 4 5 एंड मम्मी के लिए हम जाने के लिए तैयार है और मेरा भाई गाड़ी मोड़ रहा है, मैं मोड़ता वैसे तो, बट जो तो बेचारे कभी कभी खुश हो जाना चाहिए ना इसको भी। चल चल गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, घबरा नहीं। हाँ भाई जी, गर्मी लग रही है क्या? और बहुत गंदी वाली गर्मी हो रही है। अरे कोई बात नहीं यार, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ डरने वाली तो कितने कितनी ज़्यादा स्वेट हो गया। आ रहे ना तू ब्रो, आ रहे फर्क नहीं पड़ता, गर्मी में भी आया टोकरे उठवा के। सो गाइस हम सारे लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, पापा मम्मी आकाश और हम दोनों ने पापा, इस बार हमने पापा के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं करा है। तो मम्मी कैसा लग रहा है चप्पलों को पहन के? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अब सो गाइस हमेशा मैं मम्मी के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करता रहता हूँ और इस बार हम तीनों के लिए हमने ऑर्डर करा है और हमें पता था कि गांव आना है तो इसलिए मैंने पहले ऑर्डर कर लिया था। तो इनमें से जो भी चीज़ आपको फेवरेट लगे, आपको अपना कुछ भी ऐसा पेयर बनाना है, जैसे मेरी तरह अगर आपको कहीं पे भी जाना है और आपको लग रहा है कि यार बहुत ही एक अफोर्डेबल बजट है हमारे पास में और उस बजट के अंदर हमें कुछ अच्छा दिखना है या फिर एक बेस्ट क्वालिटी वाले कपड़े चाहिए, सारे लिंक्स आपको मिलने वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइज अमेजोन पे चल रहा है वाटर सेल जो कि है 6 जून तक, तो जल्दी जाएं उस डील को ग्रैब करें क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है 50-80% ऑफ ऑन टॉप ब्रांड्स फैशन एंड ब्यूटी। डील को बिल्कुल मिस ना करें, सारे लिंक आपको मिलने वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तरीके से गाँव में आते हैं कि जब भी कहीं परिवार को कहीं जाना होता है तो सब गाड़ियों में आते हैं, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है अपने बस वस में, मतलब बहुत सारे लोग आए हैं बस में लेकिन ज़्यादातर यही रहता है कि अपने अपनी कार में। और ये भी हमारी डेस्टिनेशन, पुराने दोस्त मिल के देखो गाइस। आपे परिवार के जितने भी सारे बड़े लोग हैं वो सब बैठ चुके हैं आराम से और अभी इनका जो डिस्कशन चल रहा है मस्त वाला उक्के के साथ में, और सब अपने में मस्त है लेकिन अभी इनके बाद सारी बातें चलने वाली है। और पापा को देखो यहाँ पे मस्त उक्का ट्राई कर रहे हैं और पापा को पता लग गया कि मेरा वीडियो बन रहा, तो पापा थोड़े ज़रा कॉन्शियस हो जाते हैं ऐसे मोमेंट पे। लोगों को देख के बड़ा खुश हो रहा था बट इनमें से किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तो अपन चलते हैं। तो हम घर की साइड आ चुके हैं और यहाँ पे लगन का प्रोग्राम चल रहा है तो यहाँ पे सारा जो भी लेन देन होता है वो सब होएगा, बट हम बिल्कुल पीछे बैठे हैं क्योंकि मैं सारा सामान रुकवा चुका हूँ और आगे सारे पंच बैठे हैं जिनके सामने 5 लोगों के सामने सारी चीज़ें होती हैं। अच्छी बात है। तो गाइस अभी यहाँ पे रैप वगैरह चल रहा है, थोड़ा गाने वाने हो रहे हैं और संजू उसका फ्रेंड और हम सारे बैठे गाइस देखो वाओ क्या मैं एक बात ले लूं? आर्यन शुड आई टेक वन बात? देखो संजू फोटो खिंचा रहे काका के साथ। अच्छा अकेले अकेले काका के साथ फोटो खिंचा रहे हो है? अपलोड तो मैं तुझे भी कर दूंगा, कर दे इसको है? अच्छा ब्लॉग बना रहेगा। हाँ तो गाइस आज हम आए, कैसा लगा, क्या क्या खा के आए? मैं मट्ठी है ना, चौमिन और चाय। चल चल पूरी वीडियो बनानी है पूरी की पूरी ऐसी। यहाँ सारे पंच बैठे हुए जिनके सामने डिस्कशन हो रहा है और चाचा जी अपनी बातें रखते हुए, अब इनके बीच में क्या बात चल रही है वो तो यही जाने। और साथ में देखो मेरा भाई कितना शांति से बैठा हुआ है बेचारा, ऐसा लग रहा है इससे शरीफ आदमी कोई होगा नहीं इस दुनिया में। तो अभी सारी चीज़ें होंगी जितनी भी रिवाज है, रीति रिवाज जो भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पापा कितना फ्रीली अपना मस्त एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, इनकी अलग ही बातें चल रही है, अपना मस्त एकदम बात बात करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। कितने लिए? 9 लाख वो अलग, 8 लाख गाड़ी के, 9 लाख का जेवर, 8-9 लाख का।
बहुत पैसा तेरे पास। अरे कितनी चाय पिएगा? कॉफी, एक पहली कॉफी है इधर ये जाम रोली वाले जाइज यार, ये बात कर लो इनको दिखा, उनको तो जानता हूँ मैं। अरे इनको दिखा, ये भी तो आने चाहिए यूट्यूब पे, कहाँ छा गया। निपट गए सारे काम है? बस ठहराने का बच रहा है। पैसों के टाइम तो मुझे बुलाया नहीं तूने जब देने की बारी आई। लेने की बारी कहाँ, अपने लेने का देने की आई। नहीं मैं कह रहा जब लेने की वो देने की बारी आई। बुलाया तो था फिर इसलिए लाया था वहां से। नहीं तूने बोल दिया था ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना पब्लिक में। वहां से किसी ने बुलाया था कि बाइक उधर बैठेंगे। तूने बोल, तूने बोला था ना पब्लिक में नहीं बताना कितना मोटा दिया है कैश। बताना था लेकिन उन्होंने तो अपने आप ही खोल कर अपने ऐसे पैक करके लाया था, खुलता नहीं उनसे, लेकिन उन्होंने चक्कू से काट दिया उसको। सच में भाई मेरे को बुलाता ना फिर उसकी बननी चीज मोटी कट्टी। फिर क्या क्या करेगा अब, क्या प्लान है फिर? अब चले फिर खाने, कितनी देर में हो जाएगा फ्री सब? आधा घंटा। अगर सबकी लुकड़ी सेम है कैसे पता चलेगा? दूर से पहचान लेता है, क्यों नहीं पहचान? चले ऐसी बात है क्या? एक मिनट, मेरी सिस्टर का छोटा वो इतना सा, अरे वो रही, अरे माँ को पहचान लिया वो। देखो बैठी, देख देख, एक जो लेडीज बैठी है ना, जो जिसने सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे सामने देख, अरे ये बीच में, ये तो इंस्टाग्राम स्टार है, उसके सामने देख कौन बैठा है, मम्मी हो रही देख। पीली लुगड़ी में? नहीं नहीं लाल वाली लुगड़ी में। नहीं दिखी यार अभी, अरे पीली लुगड़ी के साइड में देख, देख हो रही देख, देख पीले की जस्ट आ गए ना, आवाज मारोगे मम्मी। ये स्टार है इंस्टाग्राम स्टार, देखा ढूंढ लिया ना बा को, हम कहीं भी ढूंढ सकते हैं। पागल कौन है इंस्टाग्राम स्टार? तू बोल उसको ढूंढू। ये रिकॉर्ड, ये अब सॉरी ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो हो जाने देना, डाल दू। किसकी लुगाई थी? मंजू मंजू कौन है? अरे वाइफ का नाम ही मंजू है। अच्छा हस्बैंड का नाम बोल दिया। अरे जगह तो है नहीं, मैंने कहीं बैठ जाए। अरे रुक कर डाइट देखो, पनीर इतनी मुश्किल से लेके आया मैं रोटी। ओहो लाइट चली गई, इसमें से आधी में दे दियो। अकाश आज तो बॉडी बना के मानेगा पूरी डाइट पे जाने तेरा। कहाँ डाइट पे है? एक कितने मुश्किल से सबसे बड़ी रोटी ले रखी है तूने, कितने मुश्किल से लेके आया पता? क्यों क्या हुआ? एक औरत ने 0.0 सेकंड में झपट्टा मारा है। क्या लो थोड़ा और जल्दी आ जाते है। एक घंटे में आया तू, देख भाई जी देख क्या कर ला। और ये देखो सब्जी यहाँ पे चार बची है, और ये इतनी सारी पड़ी और सब्जी भोग लाया तेरे लिए। दुआ रहा है इसमें, दुआ रहा है।